का मिलकर हम सम्मान करें। आओ अपने लोकतंत्र का मिलकर हम सम्मान करें। आओ चलो मतदान करें, आओ चलो मतदान करें। लोकतंत्र त्योहार है आया, आओ चलो मतदान करें। आओ अपने लोकतंत्र का मिलकर हम सम्मान करें। आओ अपने लोकतंत्र का मिलकर हम सम्मान करें। आओ चलो मतदान करें, आओ चलो मतदान करें। लोकतंत्र त्योहार है आया, आओ चलो मतदान करें। भविष्य की खातिर माँ और बच्चे आगे आए, वृद्ध युवा मिलजुल कर ये पावन कर्तव्य निभाए। हम कर्तव्य निभाए, हम कर्तव्य निभाए। निर्भय और सजग होकर मत का उपयोग करें सब, संविधान के सच्चे पहरी बन के दिखाएं हम सब। शत प्रतिशत मतदान का पूरा करना है अभियान, शत प्रतिशत मतदान का पूरा करना है अभियान। आओ चलो मतदान करें, आओ चलो मतदान करें। लोकतंत्र त्योहार है आया, आओ चलो मतदान करें। आओ अपने लोकतंत्र का मिलकर हम सम्मान करें। आओ अपने लोकतंत्र का मिलकर हम सम्मान करें। आओ चलो मतदान करें, आओ चलो मतदान करें। लोकतंत्र त्योहार है आया, आओ चलो मतदान करें। आओ चलो मतदान। राम राम चाची। राम राम भैया। त्योहार को टाइम आ रहा है, तैयारी कर लो। तैयारी? काहे की तैयारी? कौन सा त्योहार आ रहा है? अरे लोकतंत्र को सबसे बड़ो त्योहार, मतदान को त्योहार। ये तो सही कही भैया, त्योहार तो आ रहा है। अरे काहे को त्योहार, वोट डालने से भी कछु बदलत है का? बातें दे रहे हो। अरे चाचा, वोट डालने से कछु नहीं, बहुत कछु बदलत है। अरे यही तो समय होत है जब अपनी ताकत दिखा सकत है और अपने अनुसार सरकार को चुन सकत है। एक बूंद से का सरकार बने रे चाचा? एक एक बूंद से तो सागर ही बन जात है, ये तो सरकार है। अगर हम सब लोग मिलके अपनी जिम्मेदारी से अपने वोट को प्रयोग करके सही चुनेंगे तो सरकार ही बने है और विकास भी हुई है। बस जरूरत है तो सही सोचने की। बात तो तूने सही कही है बेटा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आप सोच लो और तैयार हो जाओ महा त्योहार के लिए। बात तो तूने सही कही बेटा, पर रोशन बेटा एक बात समझ नहीं आई, ये कोरोना के माहौल में वोट कैसे डल हैं? चाची चुनाव भी हुई है और वोट भी डल हैं। हाँ ये बात तुमने सही कही कि अभी कोरोना की समस्या हो रही है, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है। वो का है ना कि निर्वाचन आयोग ने ये बात को ध्यान में रख के चुनाव की पूरी तैयारी कर रखी है। कैसी तैयारी बेटा? तैयारी यह है चाची कि चुनाव के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और जहां एक पोलिंग बूथ पे पहले 1500 वोटर वोट डाला करते थे, अब सिर्फ 1000 वोटर ही वोट डाला करेंगे। सारे वोटरों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी और वहां चाहे मतदाता अधिकारी हो चाहे वोटर हो, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और हाँ चाची एक बात और, सारे मतदान केंद्रों में सैनिटाइजेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन बेटा भगवान न करे किसी व्यक्ति को कोरोना हो गयो तो वो व्यक्ति और उसके परिवार वाले तो वोट डाल ही ना पाएंगे। ऐसा नहीं है चाची, कोरोना संक्रमित व्यक्ति एवं क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति भी अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन उन लोगों को पहले आवेदन देना पड़ेगा और डाक मत पत्र के माध्यम से वो अपना वोट डाल सकते हैं। और सभी मतदान केंद्रों में शरीर का तापमान भी मापा जाएगा और अगर किसी का तापमान ज्यादा होता है तो उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो अपना मतदान आखिर में करें और आखिर में विशेष व्यवस्था की जाएगी और वो भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में।
अरे वाह बेटा, ये बात है तो हम सब तैयार हैं महात्योहार मनाने के लिए और अपना वोट सही उम्मीदवार को देने के लिए। ये बात हुई ना चाची, और आप भी चाचा तैयार रहना, हम चलते हैं। राम राम। लाइन में सामाजिक दूरी बनी रहे, इसके लिए 6 फीट पर निशान लगाए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर बीएलओ और स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे ताकि सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन हो सके। जो भी मतदान केंद्र पर आएगा उसका तापमान टेम्परेचर गन से लिया जाएगा। जिसका तापमान अधिक आएगा उससे आखिरी में मतदान करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग एक छायादार प्रतीक्षा करने का स्थान बनाया जाएगा। यह मतदान केंद्र परिसर में ही रहेगा जिससे वोटर बिना अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करे मतदान कर सकता है। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर साबुन और पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश और निकासी स्थल पर सैनिटाइजर भी रखा जाएगा। जो मतदाता मास्क नहीं लगाकर आएंगे उनके लिए हर मतदान केंद्र पर रिजर्व में फेस मास्क रखा जाएगा। जगह जगह कोविड-19 के पोस्टर लगाए जाएंगे जिससे कि सभी मतदाता जागरूक हो सकें। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पोलिंग एजेंटों के लिए बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार की जाएगी। यदि पोलिंग एजेंट या मतगणना एजेंट का निर्धारित सीमा से अधिक तापमान है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके रिलीवर की अनुमति दी जाएगी जो तदनुसार रिकॉर्ड रहेगा। मतदान की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को पहचान के लिए फेस मास्क नीचे करने की आवश्यकता होगी। फेस मास्क तभी उतारा जाए जब उसकी आवश्यकता हो। किसी भी समय सामाजिक दूरी बनाए रखने वाले प्रत्येक मतदान अधिकारी के सामने केवल एक मतदाता को खड़े होने की अनुमति होगी। मतदान रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदाता को हाथ दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। मतदाताओं द्वारा उपयोग के लिए स्पष्ट निर्देश के साथ उचित स्थानों पर बूथ के अंदर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर इसका निरीक्षण करेंगे तथा वे कोरोना मरीज जो अस्पताल में भर्ती हैं अथवा कोरोना संदिग्ध जो क्वारंटीन में हैं, वे पूर्व में आवेदन कर डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी पूर्व आवेदन पर डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी। चुनाव लोकतंत्र की अनिवार्य प्रक्रिया है। अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सही को चुनें।